सब्सक्राइब करें निवेश सक्सेना चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किया सेल्टोस के बारे में रहेगा और उसकी आज मैं आपको 360 डिग्री व्यू और उसके फीचर्स आज सारा मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपके सामने 360 व्यू, आप पूरा व्यू ले लें। ये आपका साइड लुक है ये गाड़ी। स्मार्ट स्ट्रीम BS6 इंजन के साथ आती है। पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट दोनों मिल जाएंगे और मोड्स मिल जाएंगे आपको इसमें, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड। ये आपका बैक लुक और ये साइड से राइट लुक, ये आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी शानदार है दिखने में। और साथ ही बात करते हैं इंटीरियर की। सो गाइस, इंटीरियर में आपको 10.25 HD टच स्क्रीन मिल जाएगा विद यूवो, जो इनका अपना एप्लीकेशन है। और हेड अप डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो कि होगा लगभग 8 इंच का। और HD 10.25 HD टच स्क्रीन के साथ आपको 7.0 कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और ये गियर लीवर के पास आपको स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड, ये सब देखने को मिल जाएगा। स्टेयरिंग पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह सब देखने को मिलेगा। सीट्स आप देख सकते हैं विद हेडरेस्ट है, सनरूफ मिल जाएगा और रीडिंग लैंप्स है इसमें आगे पीछे दोनों साइड है। और ये सनरूफ है और लेदर अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी गेट्स में भी और सीट्स में भी। और साथ ही आपको मिल जाएगा सेंटर आर्मरेस्ट पीछे वाली सीट्स पे। और फ्रंट में भी देखने को मिल जाएंगे आपको रियर वेंट्स, AC रियर वेंट्स हैं। और हैंडल आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये था पूरा इंटीरियर का लुक और इंटीरियर कुछ इस टाइप से है। सो गाइस, बात करते हैं ये कौन कौन से कलर में आती है। ये आपको देखने को मिल जाएगा वाइट कलर और एक ग्रे कलर आता है इसमें। और कई सारे कलर्स में इंट्रोड्यूस हुई है गाड़ी। ये मेटालिक ग्रे है और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा इंटेलिजेंट ब्लू और पंची ऑरेंज के साथ ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई है। ब्लैक कलर भी अवेलेबल है इस गाड़ी में। और आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ ग्राफिक्स जो कि आपको फ्रंट ग्रिल के नीचे आपको कुछ रेड कलर का दिख रहा होगा और साइड में भी रेड कलर से आपको कुछ हाइलाइट्स दिख रहे होंगे। ये आपके सामने इंटेलिजेंट ब्लू कलर है। और जिस कलर में इंट्रोड्यूस हो गाड़ी हुई है वो ये वाला कलर है। सो इंटीरियर की बात करते हैं। सो इंटीरियर में आपको 10.25 HD टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा और आपको 360 व्यू आपको देखने को मिलेगा कैमरा। और ये आपको हुड डिस्प्ले मिल जाएगा जो अलग से ऊपर से खुलती है, जिसमें आपको डिजिटल स्पीड और नेविगेशन का मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, सीट्स में आपको हॉट और कूल दोनों ऑप्शन मिलेंगे। एयर प्योरीफिकेशन का ऑप्शन दे रखा है गाड़ी में, गाड़ी की हवा काफ़ी साफ रहेगी। और काफ़ी हैवी चेसिस बनाई है गाड़ी की और 6 एयरबैग्स के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। और बात करते हैं इसकी ESC, HAC, VSM, ABS के साथ गाड़ी अवेलेबल है। ये हिल कंट्रोल असिस्ट आपके सामने है। ये एक छोटा सा डेमो वीडियो आपके लिए। और आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। ABS, ESC, HAC, VSM, ABS सब कुछ है इस गाड़ी में। और बात करते हैं इसकी जो मीटर है उसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, जो आपके चारों टायर है उसमें प्रेशर देखने को मिल जाएगा।
तो गाइस साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा एलईडी हेडलैम्प विद डीआरएल, ज्वेल्स एलईडी हेडलैम्प्स हैं इसके, और क्रिस्टल कट अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है आप देख सकते हैं। और हार्ट बीट शेप्ड आपके टेल लैम्प्स है, ये आप देख सकते हैं पीछे। और आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगा ओवरहेड पे, और साथ ही आपको रिक्लाइनर सीट्स मिल जाएंगी, बैक सीट्स वाली जो पीछे वाली सीट्स हैं, और साथ ही आपको एम्बिएंट मोड लाइटिंग मिल जाएगी अंदर। सो गाइस बात करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में। इस बूट स्पेस का अभी रिवील नहीं हुआ है, मेरे को लगता है कि 480 या 450 लीटर के आसपास होगा, और सामान के हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगी। सो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट करके आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।